हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेटर रिव्यूज में। चलिए शुरू करते हैं दूसरी वीडियो। इसका टॉपिक मैंने आज उस चीज उस गाड़ी पे रखा है जो अब बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी है। आज मैंने इसकी मैं अखबार के अखबार में इसकी ऐड देखी तो मैंने सोचा आज इसके बारे में वीडियो अपलोड करते हैं। जी हाँ, ये MG हेक्टर पे है। चलिए मैं आपको इसका 3D व्यू दिखा देता हूँ। ये एक्सटीरियर का 3D व्यू है, ये देख सकते हैं। इसकी फेसलिफ्ट काफ़ी अच्छी है और ये सारे कलर्स में अवेलेबल रहती है। इसका रेड कलर कंपनी की तरफ से रिकमेंड किया गया है। चलिए अब आपको इंटीरियर का व्यू दिखाता हूँ। ये इसकी बहुत कंफर्टेबल लेदर की सीट्स होती हैं, साथ में देख सकते हैं आपको इन्फिनिटी के स्पीकर मिलते हैं। वो देखिए, आपको बहुत बड़ा टैब मिल जाता है, इतना बड़ा शायद ही किसी और कार में मिलता है। और इसका स्टीयरिंग का यूनिक डिज़ाइन और इसमें सारे के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग में मिल जाते हैं। साथ ही में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है स्पीड में का, और फिर लेदर सीट्स आप देख सकते हैं। इसमें फुट स्पेस भी काफ़ी है। इन्फिनिटी के स्पीकर आप देख सकते हैं, इसमें 6 से 8 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। मैं आपको अभी और भी दिखा दूंगा। ये देखिए, काफी इसका यूनिक डिजाइन है डोर ओपनिंग का भी। और वो देखिए, पैनोरामिक रूफ सनरूफ भी है इसमें। और तो और वो जो बैक मिरर होती है वो भी इसमें यूनिक डिजाइन के साथ मिलती है आपको। अब मैं इसको आपको खुला हुआ इसका एक्सटीरियर दिखा दूंगा। इसमें आपको इंजन बहुत अच्छा मिल जाता है और इसका डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको इसका इंजन दिखाऊंगा जूम करके। ये जो है थोड़े अनब्रेकेबल मटेरियल के साथ बना हुआ है, जिससे कि आपकी गाड़ी को जब एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो डैमेज कम मिलता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। हमने एक्सटीरियर देख लिया, इंटीरियर देख लिया, फीचर्स देख लेते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग प्राइस तो 12.74 से है और फिर 17.73 लाख तक चली जाती है। लेकिन जैसे आपका मन करे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा तो नहीं सकते 12.74 से, लेकिन बढ़ती ज़रूर है। और इसका रोड प्राइस मतलब अराउंड 1 लाख बढ़ जाता है 12.74 से। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाकी फीचर्स बता देता हूँ। 360 डिग्री कैमरा व्यू है, हिल होल्ड कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, अप टू 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स साइड सीट एंकर्स, ABS प्लस EVD ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, 25 प्लस स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। यानी कि ये जो कार है बहुत ज़्यादा सेफ आपके लिए रहेगी। अगर आप थोड़े ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर आपके लिए ये कार परफेक्ट है। फिर इसमें कार्स आप 50 प्लस कनेक्ट कर सकते हैं। अगला मैं आपको बता देता हूँ, हाइब्रिड पेट्रोल में मिल जाती है, पेट्रोल में मिल जाती है, डीजल में मिल जाती है आपको ये। और टॉर्क आपको सबसे ज़्यादा डीजल में ही मिलती है, 350 Nm टॉर्क मिल जाती है उसमें आपको। पावर भी आपको डीजल में सबसे ज़्यादा मिलती है, 170 PS पावर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।